नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। PFI पर फिर एक बार छापेमारी की खबर सामने आ रही है। जामिया में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं 8 राज्यों से करीब 177 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। NIA से मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों की पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये दूसरे राउंड की रेड बताई जा रही है। दिल्ली, UP, महाराष्ट्र सहित कई राज्य पर एक्शन हुआ है। जहां जामिया में अर्धसैनिक बल गश्त कर रहे हैं, वहीं असम में 45 से ज़्यादा लोगों को उठाया गया है, जबकि 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने भी 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं यूपी में भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पहले राउंड में NIA ने छापेमारी की थी, जहाँ जाँच एजेंसी ने अलग अलग जगह से PFI के कई मेंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि आज 8 राज्यों से PFI के 177 से ज़्यादा मेंबर को हिरासत में लिया गया है। देर रात तक दिल्ली में PFI के अलग अलग ठिकानों पर रेड के बाद अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में तकरीबन 100 से ज़्यादा जवान स्पेशल सेल के ग्राउंड पर मौजूद थे। लोकल पुलिस, स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच की टीम रेड में शामिल थी। शाहीनबाग, जामिया समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई। शाहीनबाग इलाके से सोएब नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी PFI से जुड़े करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। बक्सी तालाब, इटोजा के साथ साथ लखनऊ के शहरी इलाकों से भी PFI के मददगार दबोचे गए हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। वसीम और माजिद के नेटवर्क में आए सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ATS के साथ UP STF की टीम भी पूछताछ कर रही है। ATS टीम ने बुलंदशहर के सयाना के मोहल्ला चौधरी से एक मौलवी को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार अब तक मध्य प्रदेश से 21, महाराष्ट्र से 6 और गुजरात से 15 लोगों को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि 22 सितंबर को रेड के दौरान 106 के करीब PFI के लोगों को NIA ने गिरफ्तार किया था। वहीं 22 सितंबर को NIA ने PFI के खिलाफ एक्शन में UAPA के तहत 5 FIR दर्ज किए हैं। NIA के इस एक्शन के बाद PFI पर बैन का खतरा अब गहराता नज़र आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalists.